सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। देखो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ नेवी डबल एग्जाम के लिए फिजिक्स टॉप 25 क्वेश्चंस एंड एज अ पेपर मैंने यहाँ पे खुद क्रिएट किया है इन अ बोथ लैंग्वेज। सो गाइज विदाउट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कमेंट में कमेंट करके बताना एंड आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है एंड आप जाने वाले हो कि नहीं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आप सभी जाओ एंड ऑल द बेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे लिखा क्या, यू हैव 15 मिनट्स, मीन्स 15 मिनट आपको मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड आई हैव टू अटेम्प्ट, मीन्स मुझे करना पड़ेगा 20 में 25 में 20 तो आपको अटेम्प्ट करने ही है एंड आपको बताना है कि भाई मेरे इतने नंबर आए। ओके सो मैं आपकी थोड़ा प्रिपरेशन चेकआउट करना चाहता हूँ। सो गाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंड अभी टाइम अपना स्टार्ट नहीं हुआ। फिजिक्स मीन्स साइंस टेस्ट, साइंस मतलब उसमें एक दो क्वेश्चन आपको बायो के भी देखने को मिल जाएंगे एंड एक दो क्वेश्चन आपको बात कर लेते हो केमिस्ट्री के भी देखने को मिल जाएंगे। सो भाई मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा खास है, आप अच्छे खास अटेम्प्ट, अगर इसमें आप अगर भाई 15 प्लस ला रहे हो तो आप फिर उसमें आराम से 10-12 आराम से स्कोर कर पाओगे इजिली, बिकॉज साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा होता है। ये तो वैसे पढ़ने को मिल जाते हैं वहाँ पे, वैसे ये ऑफलाइन का था, जब ऑफलाइन होता था तब ये निर्देश मिलते थे पढ़ने को, बट अभी तो ये होता नहीं, बट निर्देश यही होते हैं कि क्या क्या करना है कैसे क्या इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो बताओ भाई पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ हाई लेवल सन इज मेजर्ड बाई, उच्च स्तर मीन सूर्य का तापमान मेजर करना होता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है ठीक है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर, और ऐसा करता हूँ ऑप्शंस नहीं बोलते सीधा मैं रुकता हूँ 1, 2, 3 करता हूँ एंड आंसर आई थिंक आपको पता भी होगा, पायरोमीटर का यूज करते हैं सूर्य का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पास टाइम कम है। ओके सो राइट आंसर पायरोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन अ नाइट विजन अपार्टस, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि तंत्र में किया जाता है, बताओ भाई। अब मैं इस क्वेश्चन का बताने वाला हूँ राइट आंसर या रॉन्ग आंसर, ये आपको मुझे बताना है बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रॉन्ग भी बता सकता हूँ राइट भी बता सकता हूँ, बातों पे ध्यान देना। सो इसका तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राइट आंसर है इंफ्रारेड वेव्स, बट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये जरूर बताना। थर्ड नंबर, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा, साउंड ट्रेवल एज वेव्स, सही बात है साउंड जो ट्रेवल करती है वेव्स के रूप में। अगला, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट, साउंड ट्रेवल एज स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखाओं के रूप में ध्वनि यात्रा करती है, ये भी बात सही है। सो गाइस यहाँ पे अपना रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, तो रॉन्ग आंसर भाई आपका एक ही पार्ट तो बचा डी पार्ट, तो वाई की तुलना में वैक्यूम में ध्वनि की, वैक्यूम मतलब निर्वात में ध्वनि की यात्रा तेजी से होती है ठीक है। सो अपना राइट आंसर यहाँ पे डी पार्ट था। अगला क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा अदर देन क्वेश्चंस के, बट ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो बताओ समान मानव दृष्टि क्या है, कितना है गज, नॉर्मल डिस्टेंस विजन कितना होता है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर, नहीं सर सेंटीमीटर नहीं होता वो मीटर में होता है, तो 25 से 30 मीटर अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स नॉट निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है, किसकी इकाई है, विमान, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स या सिप। सो गाइस समुद्री जहाजों की जो दूरी होती है डिस्टेंस मेजर करने के लिए नॉट का हम यूज करते हैं, तो नॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ जूल किसकी यूनिट है एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाइक दिस वे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV, ASLV का फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। सो गाइस 6 का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, और ये भी आपका ये तो GK सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, ASLV बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वैसे ही ASLV। ओके, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट, मीन्स ट्रांसफार्मर कैसा एक डिवाइस, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, बिकॉज इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम पे एक बनने वाला है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है गाइज जो लो वोल्टेज मीन्स AC इनटू हाई वोल्टेज, मीन्स टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के काम आता है ट्रांसफार्मर। आई थिंक आप इस पॉइंट को अच्छे से जानते होंगे। सो सर राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कि वोल्टेज में उच्च वोल्टेज में कम वोल्टेज में उच्च या कम करने के काम आता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, वाटर एग्जिस्ट बोथ एज सॉलिड एंड लिक्विड एट, पानी में ठोस और तरल दोनों मौजूद होते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे,
100, 50, 2.5, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो राइट आंसर रेट का यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में और ठोस में दोनों में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नोट करते जाओ कि आपके कितने राइट हो गए हैं। इन अ डीजल इंजन, डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडर में हवा का दबाना, निकास में गर्मी का उपयोग करना, एक स्पार्क प्लग या बेलन को आंच से गर्म करना। बताओ भाई 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कम कैंडिडेट को, आई थिंक 25-30% को ही ये इसका आंसर पता होगा। सो बताओ। सो गाइस, जो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर, सिलेंडर में हवा का दबाना। ठीक है, आई थिंक आपका भी राइट ही हुआ होगा। अगर हुआ है राइट तो भाई वेल डन, गुड। नेक्स्ट है, घना स्थिरता एक बीमारी है, थर्मोबोसिस इज अ डिसीज ऑफ। भाई आपको पता होगा ना, क्योंकि डिसीज से क्वेश्चन बनेगा, नेवी बायो से क्वेश्चन आता है ना, इसी से आता है। जैसे कि पूछ सकता है गलगड़ रोग किससे संबंधित है, ठीक है, ऐसा कुछ, पायरिया वगैरह। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लड हो जाएगा, एक बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सी गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? इनमें से सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? 11 नंबर NH3 क्या डी नंबर? इसका मुझे आंसर नहीं आता, रियली नहीं आता। सो गाइस इसका भी आंसर कमेंट करना, 11 नंबर का। आपको पता होगा ना कौन सी निम्न में से सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है? 4 ऑप्शन हैं। एग्जाम मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो 20 नंबर के लिए कर रहा हूँ। 25 मुझे नहीं लाने ना, आपको 25 आई थिंक लाने होंगे, लाना चाहते हो, बट 25 को कोई नहीं कर पाता। सो करो जो कुछ कर पाओ, बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस इज। और गाइस देखो, इसका पूरा का PDF मैं दूंगा, तो उसको भी आंसर्स ऐड कर दूंगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दिस। प्रकाश संश्लेषण है क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ यही सही था, प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो 12 का राइट आंसर गाइस ए पार्ट था। 13 नंबर, द लीस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। मीन्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए शरीर द्वारा आवश्यक कम वेग को कहा जाता है। ऑप्शंस देखो कितना इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण वेग, बताओ। नहीं सर, क्या मतलब बोल रहे, एस्केप वेलोसिटी राइट आंसर क्या उसे बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी मीन्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचने के लिए हम उसे एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। सो राइट गाइस, 13 का राइट आंसर यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है, मीन्स इनमें से किसके द्वारा हम विद्युत सेल प्राप्त कर सकते हैं? तो विद्युत सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जब कन्वर्ट होता है देन हम विद्युत सेल प्राप्त करेंगे। मीन्स विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक घर्षण रहित चरखी को चित्र में दिखाया गया है, इसकी दक्षता क्या है? 50% के बराबर, एकता के बराबर, अनंत रूप से छोटा। सो बताओ इसका आंसर। वैसे चित्र तो आई थिंक मैंने बनाया नहीं, सो चलो कोई नहीं, जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया था, चलो कोई नहीं, बट इसका राइट आंसर ये था आई थिंक एकता के बराबर। ठीक है, 15 का राइट आंसर यहाँ पे सी पार्ट, एकता के बराबर। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल है, अटेम्प्ट करो, 250 सेकंड में 50 किलो की वस्तु को 20 मीटर तक उठाने में कितनी शक्ति का उपयोग किया जाता है? जी बराबर दिया हुआ यहाँ पे कुछ वैल्यू। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, पी पावर बराबर क्या होता है? mgh/T। पी बराबर mgh, m मास, g ग्रेविटेशन, एंड h हो गया हाइट, एंड t टाइम। यहाँ पे पावर ही तो पूछ रहा है, शक्ति। m देखो, m 50 किलो मीटर, h हो गया, g ये दिया है, एंड टाइम 250 ये दिया है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप सॉल्व करोगे, आंसर आई थिंक आपका ये पार्ट आ जाएगा, 400 वाट या 400 वाट। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज, सेकेंड के लोलक की काल अवधि है। बताओ भाई गाइज, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? सो इसका राइट आंसर 17 का सेकेंड नंबर, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड होती है सेकेंड के लोलक की काल अवधि, मीन्स आवर्तकाल जिसे बोलते हैं, पेंडुलम। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द शार्पनेस ऑफ इमेज इन अ कैमरा। कैमरों में प्रायी भिन्न की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? द्वारक, उद्दासन का समय, लेंस की फोकस दूरी, या कैमरे का आकार, द आर्पेचर। सो गाइस इसका राइट आंसर 18 का क्या होगा? द आर्पेचर मीन्स द्वारक, एपेचर। ओके, देन नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है?
जो स्टेनलेस स्टील है गाइज, वो क्रोमियम कार्बन एंड आयरन की मिश्र धातु है। किसकी? क्रोमियम कार्बन एंड आयरन की। ओके, 19 का राइट आंसर बी पार्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे गाइस देखो क्वेश्चन क्या है, गेंगा गलगड़ किसकी कमी से होता है। मीन्स गेंगा एक रोग है, आई थिंक आप सभी को इसके बारे में पता है, तो बताओ किसकी कमी से गेंगा रोग होता है। यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। सो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, बट राइट आंसर आपका ए पार्ट ही हो जाएगा, Ca3PO4 का होल टाइस, Ca3PO4 का होल टाइस। सो 21 का गाइज राइट आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और देखो थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, बिकॉज बाहर साउंड आ रहा है और मैं उसे, आप यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज सिचुएशंस ऐसी होती हैं। सो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पराबैंगनी प्रकाश को पारित करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण में प्रयुक्त सिलिका का शुद्ध क्रिस्टली रूप कहा जाता है। बताओ, द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका यूज्ड इन अ साइंटिफिक ऑफ अपार्टस फॉर पासिंग अल्ट्रावायलेट लाइट इज कॉल्ड। बताओ, सोडा ग्लास, क्वार्टज ग्लास, फायरेक्स ग्लास या कॉर्निंग ग्लास, कौन सा राइट आंसर होगा। सो गाइस जो इसका अपना राइट आंसर होगा वो भाई हो जाएगा क्वार्टज ग्लास। कौन सा होगा? क्वार्टज ग्लास, 22 का। 23 नंबर, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपको पता होगा, पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का बिखराव, पानी के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण, समुद्र के पानी से नीले आकाश का प्रतिबिंब। सो गाइस आप तो पता हो ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ही काफी इजी था, आई थिंक आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा, देखो अगर बात कर लेते हैं आप डायनमो की, डायनमो देखो अब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे 25 आई थिंक क्वेश्चंस कितने थे लास्ट, 24 ही था। ठीक है, सो आपको 24 में बताना है कि भाई मेरे इतने नंबर आए, और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ इसका आंसर, आप सभी कमेंट करना। ठीक है, बिकॉज अर्न लेवल क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा खासा था, अगर आपके 15 प्लस या 20 तक आ रहे हैं तो आपकी सिचुएशन भाई बहुत अच्छी है, एंड साइंस सेक्शन में तो आप वीक नहीं है। ओके, देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।